नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ज मुक्ति उपाय के बारे में। कर्ज मुक्ति के लिए कुछ ज्योतिष के उपाय होते हैं और कुछ वास्तु के रिलेटेड भी। अगर आप ये उपाय करते हो तो आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है और आपके कर्ज उतरने में आपको मदद होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ से पैसा अटका हुआ है वो आपको मिलना चालू हो जाएगा और वो पैसा आप आपके कर्जे में डालकर जल्दी से कर्ज मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ का अलर्ट मिलता रहे। कर्ज मुक्ति के उपाय जो है, कर्ज लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई बार मजबूरीवश या अपनी आवश्यकताओं के कारण लोगों को कर्ज लेना ही पड़ता है। कई बार गलत समय पर कर्ज लेने के कारण या किसी भी अन्य कारण से कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना व्यक्ति को भारी हो जाता है। वह लाख चाहकर भी वो कर्ज नहीं चुका पाता है, उस पर कर्ज लगातार इसका बोझ बढ़ता ही जाता है। इस सिलसिले को समाप्त करने की वो पूरी जिंदगी कोशिश करता है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है ये कर्ज मिटाना। तो ये कर्ज कब लेना चाहिए, कौन से दिन लेना चाहिए या फिर उसका किस्त जो है वो किस दिन चुकाना चाहिए, ये भी कुछ ज्योतिष उपाय है, हम इसके बारे में बात करेंगे। आज कर्ज से छुटकारा और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए उपायों के बारे में हम जानेंगे। उसमें कुछ धार्मिक उपाय है और कुछ वास्तु रिलेटेड उपाय है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहला उपाय यह है, यदि कोई ऋण लिया हो तो इसे हमेशा मंगलवार के दिन चुकाना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है, या फिर कर्ज का पहला हफ्ता मंगलवार के दिन भरे। यानी कि दोस्तों, अगर आपका बैंक का ईएमआई है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो पहला ईएमआई है वो किसी मंगलवार के दिन आप प्लान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर लोन रीपे करना चालू करते हैं तो आपको बहुत जल्दी या फिर आपको मदद मिलेगी, आपको पैसे उपलब्ध होंगे कि आप ये लोन जल्दी चुका सको। या फिर किधर आपकी उधारी है, किसी से आपने पैसे लिए हैं तो वो मंगलवार के दिन आप देना चालू करते हो तो आपको इससे जल्दी से छुटकारा मिलता है। पानी की जो व्यवस्था है घर या दुकान में, वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र अनुसार ये कर्ज से छुटकारा पाने में मदद करता है। दोस्तों, पानी की व्यवस्था जो है ये उत्तर या ईशान दिशा में अगर आप करते हो तो आपके इनकम सोर्स बढ़ते हैं, या फिर आपका जो भी इनकम सोर्स है उसमें आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं या फिर उसमें अच्छी ग्रोथ होती है, तो आपको जल्दी से कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। घर या दुकान में जो मिरर है, कांच, वो उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करना लाभदायक होता है और ये कर्ज से छुटकारा दिलाता है। कांच का वजन जितना हल्का होगा और बड़े आकार का होगा उतना ही लाभदायक होगा। यानी कि आपको लगाना है ईशान कोण में, और वो भी दक्षिण की तरफ अगर आप मुख करके एक मिरर लगाते हो आपके दुकान में या घर में। अगर आपका बिजनेस है, दुकान में लगाना पॉसिबल नहीं है, तो आपके घर में ईशान कोण में आपको दक्षिण की तरफ मुख करके ये मिरर लगाना है, और ये जितना हल्का होगा वजन में उतना ही अच्छा है। मिरर की एक्यूरेसी देख के आपको उसको खरीदना है, नहीं तो कुछ कुछ मिरर की एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। उसमें हम दूर से देखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो आड़ी टेढ़ी नज़र आती है, वैसा मिरर नहीं चाहिए। तो ये भी आपको इनकम सोर्स बढ़ाने में मदद करेगा। घर की सीढ़ियाँ कभी भी पश्चिम दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की तरफ नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा है तो इससे घर में जो लोग रह रहे हैं उनको कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। घर के निर्माण के समय उसके दक्षिण पश्चिम भाग में टॉयलेट का निर्माण करना कर्ज को बढ़ा सकता है। इसी कारण इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि लोग कहीं पे तो भी पढ़ते हैं कि दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में
टॉयलेट बनाना चाहिए, वहाँ पर गंदगी चाहिए, ऐसा बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा उनको बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वह पितरों की जगह है, राहु की जगह है, वहाँ पर आपके पितृ बसते हैं, वहाँ पर जो है पृथ्वी तत्व है वो आपको स्टेबिलिटी देता है। अगर आप वहाँ पर टॉयलेट या बाथरूम बनाओगे तो वहाँ से ऊर्जा ड्रेन आउट हो जाती है, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी ड्रेन आउट हो जाती है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ेगा, तो वहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना है। किचन में नीले रंग का प्रयोग नहीं करना है। किचन का रंग नीला होने से घर के सदस्यों पर बुरा असर पड़ सकता है, साथ ही यह व्यवस्था जो है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि किचन जो है यह अग्नि का प्रतीक है। अग्नि को अगर आप वहाँ पर नीला रंग लगाओगे तो नीला रंग जो है वो उसकी ऊर्जा मतलब उसकी एनर्जी एमिट करेगा तो वो है ठंडा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, उससे स्वास्थ्य रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। धार्मिक उपाय देखते हैं हम कर्ज मुक्ति के लिए कि वो कौन से है। सबसे पहले है जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन लाल मसूर, ध्यान में रखिए लाल मसूर की जो दाल है वो आपको दान करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे कर्ज में कमी आने लगती है। लाल मसूर की जो दाल है वह बहुत महत्वपूर्ण है कर्ज निवारण के लिए। सोमवार के दिन अगर आप शिव मंदिर में 1/2 किलो जो लाल मसूर की दाल है वो अगर दान करते हो तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर किसी गरीब को आप दान कर सकते हो लाल मसूर की दाल। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार और शनिवार के दिन तेल सिंदूर आपको चढ़ाना है और माथे पर सिंदूर का एक तिलक लगाना है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण इस स्तोत्र का आपको पाठ करना है। दोस्तों ये जो बजरंग बाण नाम का स्तोत्र है, अगर आप नित्य इस स्तोत्र का पाठ करते हो, या फिर मेरे चैनल पर एक भीमरूपी स्तोत्र है वो भी अगर आप दिन में पाठ करते हो तो सभी प्रकार के संकटों का निवारण होने लगता है। सरसों का जो तेल है मिट्टी के दिए में भर के फिर मिट्टी के जो दिया है उसको ढक्कन लगाकर किसी नदी में या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय जमीन में आपको उसको गाड़ देना है। इससे जल्द से जल्द कर्ज मुक्ति होने में मदद मिलती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए श्री गणेश की पूजा करना शुरू कर दे। प्रतिदिन श्री गणेश जी को दुर्वा और मोदक का भोग लगाए। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रति बुधवार करें। गणपति अथर्वशीर्ष जो है मेरे चैनल पे उसका वीडियो है, आप या तो वो लगा सकते हो, आपको अगर आता है तो वो सबसे बढ़िया है। आप खुद गणपति अथर्वशीर्ष कहिए तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऋण मोचन गणेश जी की तस्वीर मिलती है, उसकी पूजा भी आप कर सकते हो। 5 गुलाब के खिले हुए फूल को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 1.5 मीटर सफेद कपड़े में बांध दीजिए और इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। जल्द से जल्द कर्ज से आपको मुक्ति मिलने के आपको उपाय मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। आप कर सकते हो वास्तु के उपाय या धार्मिक उपाय। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।